ओ अले यार, मेरे कैमरे में बैटरी लो हो गई। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। मैंने नहा लिया है, रेडी होना मेरे बाकी है क्योंकि मैं खाने की तैयारी कर रही थी। और आज भी मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गई उठने में लेट इसलिए हुई क्योंकि रोज़ की आदत पड़ गई थी वो दो दो तीन तीन बजे सोने की, तीन से चार बजे ही सोते थे तो वही आदत पड़ गई थी। और दिन में मैं कल थोड़ी देर सो गई थी तो मेरा पूरा शेड्यूल बिगड़ गया और रात को मैं अच्छे से सो ही नहीं पाई हूँ। तो मुझे सुबह थोड़ा थोड़ा हेडेक हो रहा है। और अब नवरात्रि ख़त्म होती है, अब आ जाते हैं बैक टू वर्क पे। तो खाने की तैयारी मैंने आधी अधूरी कर दी है। अभी ड्राई फ्रूट्स चिकू के लिए यहाँ पर रखे हुए, चिकू भी नहाने गए हुए, आके फिर खा लेते हैं। अब मैं मेरा स्किन केयर कर लेती हूँ। जैसे कि आपको पता ही है मैं क्लियर बैलेंस यूज़ कर रही हूँ और यहाँ पर ये चिकू ने बहुत सारा इनका सामान रखा हुआ है ड्रोन का। दशहरे के दिन ड्रोन शूट लेने गए थे इसलिए, और मेरी आंखों में भी आपको नींद दिख रही होगी क्योंकि प्रॉपरली मैं रात को सो नहीं पाई हूँ इसलिए। और यहाँ पर सारा मेरा मेकअप भी बिखरा हुआ है क्योंकि इतने दिन बस मेकअप करना, तैयार होना, गरबा जाना, घर का काम थोड़ा बहुत करना, बस वही चल रहा था। दुकान पर भी अब जाना है, फिर जल्दी जल्दी काम पर लगना है। सबसे बड़ी चीज़ मुझे मेरे कमरे में सफाई करनी है अब दिवाली की। मेरा कमरा बिखेरूंगी इसलिए मेरा सिर तो पहले से ही भारी हो गया। इतना सामान जैसे कि आपको दिखता है, जैसे छोटे से रूम में इतना ज़्यादा सामान है, पूरा सामान की सफाई करना, रूम सफाई करना, और सारी ये चीज़ें भी जो भी है वो अंदर ही रहती है, निकलता कुछ भी नहीं है। सिर्फ एक ये ड्रेसिंग निकलता है और ये निकल जाएगा, ये भी टेबल आया है वो, बाकी बेड नहीं निकल पाता, अलमारी नहीं निकल पाती। इन सबको कोनों कोनों में खिसका खिसका के पूरी दीवारें साफ करनी पड़ती है। मैं तो कंप्लीट तैयार, खाना भी मैंने बना दिया है, सिर्फ रोटी बनानी बाकी है। दाल फ्राई कर दी है, दाल बॉईल भी हो गई है, यहाँ पे दाल बन गई है, ये राइस बन रहे हैं, आटा गूंद के रख दिया है। और बाहर जो लहंगा सूख रहा है वो ले आती हूँ मैं, सही उसको पैक कर दूँ और मैंने जिससे भी लिया था उसको दे दूँ। तो ये लहंगा ले लिया, समेट देती हूँ अब मैं इसको। अब किचन कुर्ती पहन लेते हैं और रोटी बना देते हैं। ओरिगामी के टिश्यूज जो कि किचन के लिए बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छी क्वालिटी है इसकी, एकदम मोटा है टिश्यू। रोटी बन चुकी है, मैंने मेरा खाना भी लगा दिया है। ये यहाँ पर मेरा खाना दाल रोटी और थोड़े से चावल ले लेती हूँ फटाफट से लंच करके। 12:30 से पहले मुझे शॉप पे पहुँचना है तो पहुँच जाती हूँ क्योंकि मैंने क्लाइंट को बोल दिया है कि मैं 12:30 बजे आ जाऊँगी। तो गाइज़ हम निकल रहे हैं, चिकू की स्कूटी आज यहीं पर खड़ी हुई है तो मुझे छोड़ते हुए, और फिक्स 12:30 12:30 बजे तो मैं शॉप पर पहुँच जाऊँगी। शॉप पे आ गई हूँ और यहाँ पर काम चल रहा है। क्लाइंट है, क्लाइंट कम फ्रेंड है, आती है बहुत टाइम पास करती है। ये हमारे कितने अच्छे क्लाइंट रहते हैं, वो आते हैं चॉकलेट खिलाते हैं हमको। तो फ्रेंड्स अभी जस्ट हुए हैं हम कस्टमर से फ्री और अब जा रही हूँ मैं आगे वाली शॉप पे। 6 बज गई है, मैंने मेरे सिर में चंपी भी करा दी है, बड़े दिनों बाद हेयर में ऑयलिंग हुई है बहुत ज़्यादा, अभी तो हीटिंग यूज़ हुई है बालों में। नवरात्रि करके रोज़ स्ट्रेट कुछ ना कुछ चालू ही रहता था, तो आज फाइनली ऑयलिंग करवाई, बहुत अच्छा लग रहा है। और अब जाते हैं हम आगे वाली शॉप पे, बैठते हैं थोड़ी देर फिर वहाँ से घर पे जाते हैं। और आज तो बारिश हुई, बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड बारिश हुई है। मौसम सुबह से बारिश जैसा था थोड़ा थोड़ा, पर लग नहीं रहा था बारिश होगी, पर आज हो गई बारिश। तो जाने की तैयारी करते हैं, बैठ के अब जा रहे हैं घर पर। और घर पर से अब सीधा एक बार तो जाऊंगी मैं हिमायरा को मिलने, उसकी याद आ गई मेरे को। हिमी का कर लिए तू, बेबी तू का कर लिए मेरे को मिलने है मेरे को, तू अच्छा याद आ गई थी मेरे को तेरी। इधर देखो ना, हाय करो, आज तो आप पूरे दिन से मिले नहीं हो। ओ बाप रे,
काम। ये देखो ये देखो बेबी के लिए है ये। आप अलग क्यों दिख रहे हो आज? ओ इसलिए इसे देखो। चलो बैठते हैं अपना। जाओ ये इसका है, इस पैर का है। ठीक हो मेरे पाले चाचा ऐसे बोलो। कहाँ जा रहे हो? बाय कर दो। रोमाना अले यार आ जाओ ना यार ले चिका कर ले ओ। ओ अले यार मेरे कैमरे में बैटरी लो हो गई। आपका नहीं है मतलब बेटा क्या हुआ ऐसे बोलो। बोल सी मैं मानवी जी के लड़के को ऐसे कहती है कहू क्या बेटे का हुआ? कागले मैं कैसे बोलती हूँ आपको? कागले हो मित्तू। तो फाइनली हिमायरा को लेके मैं घर आ गई हूँ। घर आने के बाद अभी हम खाना बना रहे हैं। खाने में आज बन रही है भिंडी। तो अभी भिंडी को अच्छे स्ट्रॉन्ग एसिडिक वाटर में वॉश किया जा रहा है। थोड़ी देर अंदर ही रहने देती हूँ। पूरा ऊपर का जितना भी डस्ट है वो सारा निकल जाएगा। और आज किचन में सफाई हो रही है। पूरे ड्रॉवर्स निकलवा दिए। रात को मत वो कॉकरोच वाली दवाई छाटेंगे तो सारे कॉकरोच है वो मर जाएंगे। ताकि फर्नीचर होते वहाँ कॉकरोचेज रहते ही है। बिखेरा सारा यहाँ हो गया। खाना हमारा बन के तैयार हो गया है। यहाँ पर ये खाना पड़ गया है मैंने मेरा रोटी सब्जी और ये नमकीन। चूहू के लिए भी ले आई। चूहू की इधर फाइनली एडिटिंग भी कम्प्लीट हुई। वीडियो भी रेंडर हो रही है। रेंडर हो जाए फिर अपलोड होगी और हम खाना खा लेते हैं इधर। फिर मूवी देखेंगे। हम मूवी देखने वाले हैं आज रक्षाबंधन वाली जो कि अक्षय कुमार की आई थी ना। तो जी पे रिलीज़ हो चुकी है तो जी अभी चालू करेंगे। तो चलो खाना खा के हमको मूवी देखनी है। तो यहीं पर कर देती हूँ मैं ब्लॉग का एंड। अगर आज का ब्लॉग अच्छा लग गया हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। ओके बाय।